अरे हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। तो गाइस ये है एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो कि काम आता है हमारे ऑफिस में बिजली देने में। जब लाइट चली जाती है तो उसको चलाते हैं, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन गाइस आज है होली और हम बनाने वाले हैं इस जनरेटर से एक बड़ी पावरफुल पिचकारी। अब आप सोचोगे कि जनरेटर से पिचकारी कैसे बनेगी, तो गाइस ये जो जनरेटर है ये आज आपके सामने पिचकारी बनने वाला है और आज आपके सामने ये कलर फेंकने वाला है। गाइस इस तरीके की जो चीज है वो आपने शायद कहीं भी नहीं देखी होगी, क्योंकि सोचो इतनी बड़ी, इतनी हैवी, इतनी पावरफुल मशीन अगर रंग फेंकेगी, क्योंकि होली है तो सबको रंग फेंकना चाहिए, तो ये भी फेंकेगी। तो फटाफट शुरू करते हैं गाइस। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन उसे दबा देना। सभी को हैप्पी होली। जो जनरेटर है वो बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा वजन है इसमें। बस तो हमने इसको पोजीशन में सेट कर लिया है। अब एक ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से गाइस यहाँ पर हमारे पास में जो बहुत सारे गुलाल हैं अलग अलग कलर के, इनको हम उड़ा पाएं भाई साहब जनरेटर की मदद से। और अगर ये चीज़ काम करी तो वास्तव में बहुत ही मजेदार चीज़ होगी। इसके पीछे ये चीज़ करने के लिए गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा साइंस लगाना पड़ेगा। साइंस भी आपको बताएंगे, लेकिन चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनेगी अगर ये काम किया तो। गाइस यहाँ पर देखो, जनरेटर के अंदर जो चीज़ कुछ फेंक सकती है वो है सिर्फ और सिर्फ इसका ये पार्ट। ये है गाइस इसका साइलेंसर, जो कि फ़िलहाल थोड़ा सा गर्म है, लेकिन मैं जो है इसको फिर भी खोल सकता हूँ। थोड़ा गर्म तो हो गया गाइस। ये जो साइलेंसर है ये हवा फेंकता है और इस हवा का यूज़ हम करेंगे गाइस कलर उड़ाने के लिए। चलो इसको खोलते हैं। तो गाइस गर्मा गर्म जो साइलेंसर है वो यहाँ पर निकल के आ गया है जनरेटर का। और यहाँ पर देखो ये जो जगह खाली है ना, ये काम आएगी फिलहाल, क्योंकि इसमें से हवा निकलती है। एक बार आपको जो है पहले दिखाते हैं, इसको स्टार्ट करके हट जाओ, इसमें झटका लगेगा यहाँ। तो गाइस यहाँ पर जो जनरेटर है वो स्टार्ट हो चुका है। हवा थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन देखना भाई साहब इस तरीके से जो मज़ा है वो नहीं आ रहा, जो कलर है वो कहीं भी नहीं जा रहा। तो एक सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा तरीका बनाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में एक पाइप है, इस पाइप का यूज़ करेंगे, पाइप को लगा देंगे यहाँ पर। लेकिन गाइस इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा इसको काटना पीटना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी और काम हो जाएगा। और गाइस आपको पता है ये वही आ रही है जो कि हम ट्रेजर हंट कबाड़ वर्जन में से उठा के लाए थे। कबाड़ में से लाई हुई है 1-2 रुपए की, लेकिन अभी जो मस्त काम आ रही है। चलो तो ये पाइप कट गया, अब इसमें एक होल करना है और इसके अंदर हम एक रिड्यूसर फिट करेंगे। यहाँ पर हमने कीप को इस तरीके से नीचे से काट लिया और पाइप के अंदर एक होल कर लिया गाइस, और इसके अंदर ये जो कीप है कुछ इस तरीके से फिट आ जाएगी और इसको चिपका देते हैं। अब देखो जुगाड़ बन गया, ये जो है हमारा होपर बन गया, हमारी कीप बन गई, फनल बन गई। इसमें से जो है कलर जाएगा और फिर बाहर निकलेगा प्रेशर के साथ में। आपको बताऊंगा कि जो गुलाल है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है। तो गाइस सेटअप कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। ये एक रिड्यूसर है 63-40 का, तो इसको लगा रहे हैं यहाँ पर इसके मुँह पे और ये इसके अंदर फिट हो गया। और गाइस अब इस सेटअप को लगाएंगे जनरेटर के एग्जॉस्ट के अंदर यहाँ पर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ये तुरंत से इस पाइप को पिघला देगा विद इन 10-20 सेकेंड, तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे। और गाइस इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस रुई जैसी दिखने वाली चीज़ का, ये है केल वुल, जो कि हीट को बिल्कुल भी नहीं जाने देता। गाइस ये जो है बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है, इसको रुई मत समझ लेना। तो भाई फाइनली सारा सेटअप यहाँ पर तैयार है और पूरा जनरेटर के अंदर ये जुगाड़ लग चुका है। यहाँ पर हमारे पास में कलर्स भी आ चुके हैं गाइस, गुलाल भी आ चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है काम करेगा भाई साहब ड्राई कलर, यानी कि सूखा रंग जो कि गुलाल होता है। करते हैं जनरेटर को स्टार्ट और देखते हैं गाइस क्या होता है। चलो भाई, और भाई साहब ये जुगाड़ कितना काम करेगा कितना नहीं, आई डोंट नो। आवाज़ आपको थोड़ी गड़बड़ आएगी क्योंकि इसकी आएगी बहुत तेज, ठीक है। अरे वाह, अरे वाह भाई, कितना तो काम कर रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। डालो भाई, ये जो पाइप है देखो, ये देखो गाइस ये क्या हाल हो गया पाइप का।
ये तो गर्मा गया भाई साहब, बहुत ज्यादा गर्मा गया, इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पर जो सेटअप है वो चेंज करना पड़ेगा, प्लास्टिक की जगह लोहे का यूज करेंगे। और गाइस यहाँ पर इस पाइप को हम फिट कर सकते हैं इसके अंदर, और बढ़िया बात ये होगी कि आधा हो गया लोहा गर्म होने वाले हिस्से में, और यहाँ पर हमारा वही सेटअप काम आ जाएगा। चलो इसको लगाते हैं। तो भाई यहाँ पर पूरा जो सेटअप है वो रेडी हो गया। इस बार लोहे का पाइप लग चुका है गाइस, और हमने कलर पेंट भी कर दिया ताकि ये बढ़िया दिखे। तो देखते हैं इस बार कैसा काम करता है। यहाँ से लटक गया था, करो स्टार्ट भाई साहब। सिस्टम जो है वो यहाँ पर लग चुका है, देखते हैं इसके अंदर कलर डाल के भी क्या होता है इस बार। ओहो गाइस यहाँ पर देखो ये जो है किस तरीके से कलर निकल रहा है भाई साहब, मस्त है यार, क्या बात है क्या बात है। तो ऐसे ऊपर भी कर सकते हैं ऐसे। ओहो यहाँ पर जो जनरेटर है वो पिचकारी बन चुका है। यहाँ पर आ रहा है क्या बात है भाई साहब, वहां गुलाल डल रहा है और इतने लंबे पाइप में क्रॉस करके यहाँ से जो कलर है वो निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं निकल रहा है, उधर बहुत ज्यादा कलर उड़ रहा है, उसको डाल के दबा दो भाई साहब। आया आया ये रहा मस्त मस्त, क्या बात है गाइस, ये चीज भी काम कर रही है। इतना लंबा जो पाइप है वो यहाँ पर गुलाल ला रहा है,
वो भी उड़ता हुआ। तो गाइस यहाँ पर जो पाइप है उससे गुलाल आ रहा है, थोड़ा कम आता है लेकिन चीज जो है वो काम जरूर से कर रही है। यहाँ पे धुआं आती है, धुआं की स्मेल भी आ रही है। इस बार यही डिफरेंस है, जो धुआं की स्मेल है ना वो आती है। धुआं 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 हो चुका है भाई साहब। ओहो, लेकिन भाई कुछ भी कहो, हमने जनरेटर को बना डाला है पिचकारी। जनरेटर की जो पिचकारी है वो तैयार हो चुकी है डीजल इंजन से। आज हमारी जो पिचकारी है वो चली है। और गाइस कहीं ना कहीं ये जो जुगाड़ है भाई साहब तगड़े तरीके से काम करा है। इसमें कोई भी फेलियर जो है, इसमें यार देखो गुलाल भर गया। तो गाइज हमारे इस सिस्टम के अंदर कोई भी फेलियर नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट जैसा हमने सोचा था वैसा ही काम करता है। नॉर्मल जो पिछला वाला ब्लोअर था और उसमें और इसमें एक डिफरेंस ये है, वो कंटिन्यूअस फेंकता है, ये वाला झटके 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 मार मार के फेंकता है। तो ये वाला अंतर है, लेकिन फेंकते दोनों हैं और उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ये वाला जिसको थोड़ा इधर उधर ले जाना मुश्किल है, लेकिन जो सिस्टम है दैट इज वर्किंग परफेक्टली। तो गाइज इस चीज के लिए जो है लाइक का बटन दबाना जरूर से बनता है। सभी को फिर से हैप्पी होली। आज के लिए इतना ही गाइस, होली की वीडियोस जो है अभी और नहीं आएंगी। लास्ट वीडियो तो लाइक जरूर से कर देना क्योंकि आज ही होली है, होली खत्म है। तो किस चीज पर वीडियो बनानी है अब वो भी कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। थोड़ी देर अब होली खत्म। अरे बस है ओ भाई, गाइस होली खत्म हो गई तो ये लोग मुझे लगता है कलर खत्म करने के चक्कर में हैं फिलहाल। देखो 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 ये देखो। सबसे मस्त पार्ट होता है इस वीडियो का।